Hi everyone, I am Madhuri and welcome back. I hope you all are doing well. So guys, for today's video, मैं आपके साथ फॉक्स टेल के सनस्क्रीन्स में कंपैरिजन प्लस इन दोनों का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट इम्प्रेशन था. इससे पहले मैंने फॉक्स टेल के कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करे थे. मेरे सामने काफी बार इसका एड आया था, सो मैं सोच रही थी कि अब मुझे कोई ना कोई सनस्क्रीन तो खरीदना ही है, तो इस बार मैं फॉक्स टेल का ट्राई करके देखती हूँ. फर्स्ट मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर दिया था एंड बस मुझे ये पता था कि इसके दो सनस्क्रीन्स आते हैं सेम टू सेम, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आज आपको क्लियर होगा. कौन सी स्किन के लिए कौन सा बेस्ट है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा. वैसे भी मैं न्यू सनस्क्रीन्स ट्राई करती रहती हूँ एंड आप लोगों के साथ रिव्यूज शेयर करती भी रहती हूँ, एंड आप लोगों को मेरे सनस्क्रीन्स के रिव्यूज पसंद भी आते हैं. सो मुझे ये नया दिख रहा था इस टाइम पर, सो मैंने सोचा चलो इस बार इसको ट्राई करके देखते हैं. सो इसमें इन्होंने दो सनस्क्रीन्स को लॉन्च करा था एंड मैं कंफ्यूज थी कौन सा खरीदूं, तो मैंने दोनों खरीद लिया क्योंकि मैंने वहां पर इनका डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करा था. सो इस वीडियो में आपको इन दोनों में से कौन सा आपकी स्किन टाइप के लिए बेस्ट रहेगा ये क्लियर हो जाएगा. सो सबसे पहले मैं इसकी पैकेजिंग की बात करती हूँ, तो इस तरह से पैकेजिंग में आता है. ये डार्क येलो कलर में है एंड ये लाइट येलो कलर में है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये एसपीएफ 70 के साथ आता है, सो जो कि काफी ज्यादा एसपीएफ है. वैसे मैंने सुना है कि ज्यादा 50 से ज्यादा एसपीएफ यूज करने का कोई ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है, बट फिर भी अगर एसपीएफ 70 दिया भी हुआ है तो हमारा क्या जाता है, क्योंकि प्राइस तो सेम ही है और सनस्क्रीन्स के कंपेरिजन में ही. सो दैट्स वाई अच्छी बात है अगर 70 मिल रहा है आपको इसी प्राइस में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वाले सनस्क्रीन की बात करती हूँ, जो कि है इनका ड्यूई सनस्क्रीन, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से पैकेजिंग में. ये एसपीएफ 70 पीए प्लस 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 4x+ के साथ आता है. इसमें नायासिनेमाइड है एंड ये प्रो वाइटमिन B5 के साथ आता है, प्लस इसमें वाइटमिन ई है एंड ये 50 ml की क्वांटिटी में आता है. इन्होंने मेंशन कराया है ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है. जो सेकंड सनस्क्रीन है विच इज दिस वन, जो की है मैटिफाइंग सनस्क्रीन, ये एसपीएफ 70 पीए प्लस प्लस 4x+ के साथ आता है. ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए, इसका भी क्वांटिटी 50 ml है. दोनों का एमआरपी सेम है which is 595 rupees, एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स, जो कि काफी अच्छी शेल्फ लाइफ है. हालांकि मेरा एक ही महीने में खत्म हो जाता है सनस्क्रीन. अभी इस टाइम पर मैं इसका सेल देख रही हूँ, इसको खरीदने के बाद वो सेल आया है. मैंने बहुत दिन तक वेट करा था कि कुछ बाय वन गेट वन या बाय टू गेट टू आ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं आया. जैसे ही ये प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर हुए उसके दूसरे दिन ही बाय टू गेट टू फ्री ऑफर आ गया था. सो मैंने सोचा अब ठीक है जो भी है. सो मैंने खरीद तो लिया ही था तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी, बट अगर आप चाहो तो इसको ऑफर पर ले सकती हो. इस पर बाय टू गेट टू सेल आता है एंड अगर कभी बाय वन गेट वन आया तब भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. नेक्स्ट टाइम मैं यही ट्राई करूंगी कि इस पर मैं बाय वन गेट वन सेल से ही खरीदूं इसको, क्योंकि इसका एमआरपी 595 rupees है. सो बाय वन गेट वन सेल के अकॉर्डिंग आपको ये डर्माको एंड एक्वालॉजिका के सनस्क्रीन के कंपेरिजन में सेम ही प्राइस में मिल जाएगा. 100 rupees का ऊपर नीचे हो जाएगा आपका, इससे ज्यादा का कुछ नहीं होगा. एंड ऑल्सो इस पर मैंशन है इसका पीएस 6 से 6.5 तक है, एंड ऑल्सो दिस इज वीगन, क्रुएल्टी फ्री, पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. सो ये सारा कुछ इस पर मेंशन करा है. नाउ अगर आपको इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं तो आप इनकी वेबसाइट से पढ़ सकते हो या फिर इनके बॉक्स पर भी सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन करे होते हैं. नाउ हम इनर पैकेजिंग की बात करते हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्ट है तो वो कुछ इस तरह से आता है. That is how it looks like. So ये जो light yellow color का sunscreen है ये normal to oily skin वालों के लिए है, क्योंकि ये mattifying sunscreen है. And जो ये dark yellow color में sunscreen है ये dewy sunscreen है, जो कि normal to dry skin वालों के लिए है, which means combination skin वाले भी use कर सकते हैं दोनों को ही. So दोनों का texture मुझे कैसा लगा है, तो मेरी dry skin है उसके according मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप find out कर पाओगे कि oily and combination skin वालों के लिए कौन सा best रहेगा. So मैं आपको application वाले part में भी बताऊंगी. So मैं अपना पहले एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. सो ये कुछ इस तरह से पंप बॉटल में आता है, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो ये जैसा डर्माको एक्वालॉजिका की पैकेजिंग आती है सेम वैसी ही पंप बॉटल में आता है. एंड इसको अप्लाई करने के लिए इसके पीछे मेंशन करा हुआ है कि इसको उल्टा करके आपको शेक करना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है. सो ये कुछ इस तरह से निकलता है प्रोडक्ट, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो ये थिक है. अभी मैं आपको हाथ पर कम अप्लाई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको फेस पर अप्लाई करके दिखाऊंगी. सो इसमें बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं है, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक, आप देख सकते हो. एंड ये हल्का सा कूलिंग इफेक्ट भी देता है, इजीली ब्लेंड हो जाता है स्किन में, काफी अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट हो जाता है, बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता. एंड ये जो सनस्क्रीन है ना ये मैटिफाई है, जैसा आपने डर्माको का 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन यूज करा होगा सेम इसका टेक्सचर वैसा ही है.
एंड ऑल्सो इसमें काफी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे काफी अच्छी लगी, बहुत ज्यादा सूदिंग है एंड मुझे अच्छा लगता है इसका फ्रेग्रेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दोनों का फ्रेग्रेंस सेम है सो मुझे ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग ये काफी पसंद आया। जैसा कि इन्होंने मेंशन कराया है कि ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए है, तो ये वाकई में काफी अच्छा ड्यू फिनिश देता है, लगाने के बाद ग्लो आता है फेस पर, मुझे काफी अच्छा लगता है जब ग्लोई ग्लोई लगता है फेस, इससे काफी अच्छा ग्लो आता है। एंड वैसे भी मैं मेकअप करती नहीं हूँ तो मुझे स्किन केयर ऐसा चाहिए होता है कि नेचुरल ग्लो दिखे, सो इससे काफी अच्छा ग्लो आता है, इससे भी ग्लोई लगता है, बट ये थोड़ा सा मैट फिनिश में है। सो जैसा इन्होंने मेंशन करा है एग्जैक्ट ये वैसे ही वर्क करते हैं, एंड नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है। एंड ये भी अच्छा है, ऐसे दोनों में ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही वाइट कास्ट छोड़ते नहीं है। इसका भी टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर है, ये थोड़ा सा हल्का सा रनी है, जो मैटिफाई सनस्क्रीन है उससे ये हल्का सा रनी नहीं बोल सकते, मतलब वैसा थोड़ा सा लाइट लगाने के टाइम पर, आई होप आप समझ पा रहे हो। सो ये इस तरह से है, ये भी बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता एंड आप देख सकते हो काफी अच्छा सा ग्लो आ जाता है। मुझे दोनों ही अच्छे लगे हैं, दोनों के कोई भी साइड इफेक्ट्स मुझे देखने के लिए नहीं मिले, मैं काफी दिनों से यूज कर रही हूँ एंड मुझे काफी पसंद भी आए हैं। अगर इन दोनों में से मैं कोई एक खरीद लेती तो मैं इतना ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, बट इन्होंने अच्छे से डिफ्रेंशिएट करा इसको, सही से इन्होंने मेंशन कराया कि ये ड्यूई सनस्क्रीन है एंड ये मैटिफाई है। सो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कैसा पसंद आता है, मुझे तो ग्लो ही पसंद आता है तो मैं इसको ज्यादा अप्लाई करती हूँ एंड इसको कभी कभी, बट कभी कभी का मतलब ये नहीं है कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, बट इससे ग्लो नहीं दिखता है ज्यादा क्योंकि ये बिल्कुल गायब हो जाता है, मैट है सो मैट में कन्वर्ट हो जाता है। मैटिफाई होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन को ड्राई बना देता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनाता है, मुझे इसका टेक्स्चर भी काफी अच्छा लगा है, मेरी ड्राई स्किन है मुझे भी सूट कर रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे किसी भी सनस्क्रीन से ये इशू नहीं रहता है कि वो मैटिफाई है या नहीं, क्योंकि मैं मॉइस्चराइजर तो अप्लाई करती ही हूँ हैवी वाला, अगर मुझे विंटर्स में अप्लाई करना होता है तो मैं हैवी मॉइस्चराइजर लगाकर ही कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ, तो चाहे फिर वो ड्यूई हो या फिर मैटिफाई हो, दोनों ही मेरे लिए सही वर्क करते हैं। सो इस चीज से आपको इन दोनों में कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं बनता है कि आपको इन दोनों में से कौन सा वाला लेना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन आप ऊपरी लेयर पर अप्लाई करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई मॉइस्चराइजर लगाते हो, सो मॉइस्चराइजर आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो एंड सनस्क्रीन को उसके बाद लगा सकते हो। तो मुझे तो ये दोनों सनस्क्रीन काफी अच्छे लगे हैं, नाउ आप इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट भी चेक कर सकती हैं। सो गाइस मैं अपने फेस के एक साइड अप्लाई कर रही हूँ ड्यूई सनस्क्रीन, तो इसकी मैं उतनी ही क्वांटिटी अप्लाई करती हूँ जितना इनफ होता है, इवन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस टाइम पर ज्यादा ले लिया, एंड इसको ब्लेंड करना बहुत ज्यादा इजी है, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता एंड ड्यूई ग्लो देता है, तो मुझे तो इसका इफेक्ट अच्छा लगा है एंड मुझे ग्लोई फेस अच्छा लगता है, एंड ये ऑयली स्किन वालों को भी खराब नहीं लगेगा क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है। एंड मैं इस साइड अप्लाई कर रही हूँ मैटिफाइंग सनस्क्रीन, तो इसमें आप देख सकते हो बिल्कुल भी ड्यूई फिनिश नहीं है, तो आपको मैट पसंद है तो आप मैट ले सकते हो, ड्यूई पसंद है तो ड्यूई ले सकते हो, दोनों का टेक्सचर सेम ही है। एंड अभी मैं आपको हैंड्स पर भी अप्लाई करके दिखा रही हूँ, सो एक हैंड पर मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉक्सटेल ड्यूई सनस्क्रीन, सो इसका टेक्सचर आप देख सकते हो। एंड अभी मैं दूसरे हाथ में अप्लाई कर रही हूँ मैटिफाइंग सनस्क्रीन, तो दोनों सनस्क्रीन SPF 70 के साथ आते हैं, इसमें PA++ 4x+ है दोनों में ही, एंड आप इन दोनों का टेक्सचर देख सकते हो, ड्यूई में ग्लो है एंड ये मैट है। एंड गाइस एक चीज और, ये देखिए आप इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट ऐसे मिट रही है पता नहीं क्यों, सो शायद से इसका प्रिंट सही नहीं है क्योंकि इस पर नहीं हो रहा है ऐसा, जस्ट इस वाले पे हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ये वाला तो एकदम सही है। आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, कोई भी स्किन हो, आप ये यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन रहती है विंटर्स में एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है एंड समर्स में नॉर्मल टू ड्राई हो जाती है एंड विंटर्स में एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है, तो मुझे तो ये दोनों सनस्क्रीन अच्छे लगे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। दोनों ही ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छी है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, जस्ट ड्यूई फिनिश है, सो अगर आपको ड्यूई फिनिश पसंद है तो आपको ये भी पसंद आएगा। सो ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए, तो ऑयली स्किन वाले यूज नहीं कर सकते, इजिली यूज कर सकते क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है, इन दोनों में कहीं से भी ऑयल नहीं है, समर्स में स्वेट भी क्रिएट नहीं करता है, बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है एंड मुझे स्किन पर ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने इन सनस्क्रीन्स को अप्लाई करा हुआ है, बिल्कुल गायब हो जाता है स्किन में, एकदम से पेनिट्रेट हो जाता है। सो मुझे इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे लगे हैं एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। एंड अगर आप इसको पहले से यूज करते हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपना एक्सपीरियंस कि आपको ये कैसे लगते हैं, मुझे तो काफी पसंद आए हैं। एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, थोड़ा देर से ही सही बट मैं सबका रिप्लाई जरूर करती हूँ। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।